सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। मोहब्बतें ऑफर है, ऑफर जाने वाला है और अभी भी अच्छी टीआरपी हो रही है क्योंकि हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है अब तक में। ऑफर जा रहा है क्या मुझे अभी भी नहीं पता जेन्युइनली क्योंकि टीआरपीज अच्छी चल रही हैं मोहब्बतें की। लोग र्यूमर्स तो पिछले 2-3 सालों से चला रहे हैं कि मोहब्बतें ऑफर है, ऑफर जाने वाला है, लेकिन इट्स डूइंग रियली वेल। 3 अलग अलग स्लॉट्स में हमने हमेशा अच्छी टीआरपी पाई है और अभी भी अच्छी टीआरपी हो रही है, विच रियली मेक्स अस वेरी वेरी हैप्पी। सो अगर ऑफर कभी गया तो वील बी वेरी सैटिस्फाइड एज अ कम्प्लीट क्रू क्योंकि हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है अब तक में, और नहीं गया तो 100-200 लोगों के पेट भर रहे हैं, उससे अच्छा क्या होगा। आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ और बीइंग एन एक्टर हम लोग बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमेशा शूटिंग करते हैं। हम लोग जब भी कुछ भी ड्रामा एंटरटेनमेंट क्रिएट करते हैं तो सब एकदम प्रॉपर होता है, लेकिन जब ऐसे एनवायरनमेंट में शूट किया जाए जहाँ वाइल्ड लाइफ है तो आई एम रियली इंट्रीग्ड टू नो कि उन्होंने कैसे शूट किया होगा उन एडवर्स कंडीशंस में रह के और उसका सीरीज बनाया है। इज इट, इट्स अ कंप्लीट सीरीज, सो आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे वाइल्ड लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग कभी ना कभी जाते रहते हैं ऐसे किसी ना किसी टूर पे जहाँ हम वाइल्ड लाइफ को करीब से देख सकें। इससे ज़्यादा करीब क्या होगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में अब हमको वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलेगा। नहीं आती थी ऐसी सीरीज़ इंडिया में, लेकिन मुझे लगता है वक्त बदल चुका है, इंडिया को अलग तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए है। सो आई एम रियली हैप्पी कि इस तरह की सीरीज़ अब इंडियंस के लिए भी इंट्रोड्यूस हो रही है क्योंकि हमें चाहिए है कुछ हटकर कुछ नॉन फिक्शनल, और स्पेशली आजकल के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस सच अ सीरीज़ इन इंडिया। Let's not get on to that. I love Manish. He's my friend since years. So मैं दोस्त के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। भाई, let's talk about this. मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी अब तक में ऐसे केसेस हुए हैं उसमें क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सज़ा क्यों नहीं मिलती है। कड़ी सज़ा का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब किसी की लाइफ बर्बाद कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया। ऐसे कितने ही केसेस हो चुके हैं, लेट्स क्रिएट सम एग्जांपल्स। ऐसे हम ऐसी सज़ाएं देना शुरू करें कि ये जो कल्प्रिट्स हैं ये ज़िंदगी भर याद रखें और कभी इस गलती को ना दोहराएं। उनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, ऐसी सज़ाएं मिलनी चाहिए। जब ऐसी सज़ाएं मिलेंगी तो ऐसे क्राइम्स बंद होंगे। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारा लीगल सिस्टम, पॉलिटिक्स, वहाँ बड़ा ही सेफ प्ले किया जाता है और इसीलिए कभी भी कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाती है। जिस दिन ये होने लगेगा ना हमारे देश में, लड़कियाँ सेफ हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ये मैच मैं ज़रूर देखने वाली हूँ। बाय।